आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज आपको बताने वाले हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक हम ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप मार्केट में लगातार और लंबे समय तक बने रहिएगा। तो वो कौन सा ट्रिक है तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत से लोग सेटअप खोजते हैं कि कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, मतलब वो लॉस लेना चाहते ही नहीं है। तो हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा ही ट्रिक बता रहे हैं जिसको आपको नहीं हर किसी को फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको हम बताएंगे उसके बाद आप देखिएगा, ज़रूर इस बात को कहेंगे कि हाँ ये बात सच है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हर लोगों का टारगेट होता है, किसी का 100 पॉइंट काटना, किसी का 200 पॉइंट काटना, मतलब जो है पॉइंट में प्रॉफिट कमाना हुआ, यहाँ काटना का अर्थ ये हो गया। बहुत से लोग पैसा को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, अगर उसमें आप चाहते हैं कि लंबे समय तक हम बने रहें और अगर प्रॉफिटेबल बने रहना है, तो आपको वहाँ एक रूल फॉलो करना होगा जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, आपको हम बताते चले, मार्केट में आप 10,000 रुपया लगाते हैं। अब 10,000 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, 10,000 जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ क्या रूल फॉलो करना है सो आपको हम बताते हैं। अगर 10,000 रुपया लगाते हैं तो आपको यहाँ पे जो इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में है वो आपको डिसाइड करना है कि इस मार्केट में आप लॉस कितना सह सकते हैं। अब लॉस की बात हम क्यों कर रहे हैं समझ लीजिए। मान के चलिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करेंगे तो आज 10,000 रुपया है या आप जितना भी पैसा लगाएंगे, अगर आपके फेवर में मार्केट चला गया तब तो अच्छी बात है, अगर आपके अगेंस्ट उल्टा चला गया तो आपको नुकसान भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज आप अगर लगाते हैं तो प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन कल क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। इसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करते हैं तो एक रूल को फॉलो कीजिए जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, आप देखिए आप कितना अपना पॉइंट रखेंगे रिस्क मैनेजमेंट का मुझे नहीं पता है। जैसे मान के चलिए, आपने 100 रुपये के प्राइस पे शेयर खरीदा निफ्टी बैंक का, जैसे 25 क्वांटिटी का एक सेट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एक रिस्क मैनेजमेंट होगा। जैसे 100 रुपये के प्राइस पे 25 क्वांटिटी का 2500 रुपया, तो वहाँ आपका एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि 100 रुपये जो बाइंग प्राइस है, अगर देखिए आपको इतना तो पता हो कि मार्केट में कोई भी शेयर का प्राइस अगर आगे जाता है तो पीछे भी आता है, मतलब मार्केट का रेट ऊपर होता है तो नीचे भी आता है। मान के चलिए 100 का अगर 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, तो ये तो अच्छी बात है कि प्रॉफिटेबल, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 का 200 हो जाए, 100 का जीरो भी होगा। अब बोलिएगा जीरो होगा तो इससे बचने का क्या उपाय है। देखिए, कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, कभी भी, तो इस रूल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब क्या फॉलो करना है हम क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए, 100 रुपये के प्राइस पर आपने शेयर बाय किया, तो वहाँ आपका जो क्षमता है आपका रिस्क लेने का, जैसे कोई है कि 100 पे खरीदा तो उनका रिस्क मैनेजमेंट है कि हम 10 पॉइंट का लेंगे, मतलब वो 90 पे ऐसे लगा देंगे। कहने का मतलब कि 100 रुपये के खरीद रेट है, अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है, उल्टा जाता है, अगर 90 पे जाएगा तो वो सेल हो जाएगा। बहुत लोग चाहते ये है कि 90 पे नहीं, उनको लगता है कि 10 पॉइंट तक मूवमेंटे होता है तो वो सोचते हैं कि नहीं 80 पे हम रखेंगे। तो आपको इसी को डिसाइड करना है कि हम कितना पॉइंट का मार्केट में लॉस ले सकते हैं। अगर आप इसी को अगर ऐसे नहीं लगाते हैं, अगर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं मार्केट में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आज प्रॉफिटेबल हो भी गए तो कल प्रॉफिटेबल नहीं रहिएगा। कारण क्या है कि आपका उसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि लक बाई चांस हो जाएगा। अगर आपके फेवर में चला गया तो अच्छी बात है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने से क्या होता है कि अगर 100 रुपये के प्राइस पे खरीदे हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट है कि 90 पे आएगा तो उल्टा, मतलब अगर बैक जा रहा है, नीचे की ओर रेट जा रहा है, तो 90 पे जाने का मतलब अगर 100 में से 90 गया, कितना 10 पॉइंट इधर हुआ, 25 का सेट है, तो 250 का सिर्फ नुकसान होगा। इसीलिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना लॉस सहने कि क्षमता के अनुसार आप लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। यही जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। नहीं तो देखिए, पॉइंट मार्केट में प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, 100 वाला 500 भी हो जाएगा,
1000 भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट अनलिमिटेड है लेकिन लॉस फिक्स है। लॉस कहने का मतलब आपका कैपिटल है, इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि हम अपने कैपिटल को कैसे बचाएं। क्योंकि मान के चलिए आज आप मार्केट में 10,000 लेके पहुंचे हैं, सपोज डैट अगर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया तो उस स्थिति में आपका 10,000 रुपया डूब जाएगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए कि रिस्क मैंने मान के चलिए 100 रुपये के प्राइस से 2500 रुपया लगाए, अगर 90 पे आप ऐसे लगाते हैं, मतलब 100 का चीज है 10 पॉइंट का ऐसे लेके चलते हैं, अगर 90 रुपये से है तो मान के चलिए कितना 90 10 पॉइंट का 250 का नुकसान होगा, अभी भी आपके 2500 रुपया है, हो सकता है 50-60 रुपया ट्रेडिंग का जाए, मतलब 2200 रुपया। तो अगर 2200 रुपया आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, बड़े अमाउंट में भी हो सकता है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा तब तो पैसा बचा रहेगा, अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कीजिएगा तो जितना भी पैसा मार्केट में लेके उतरिएगा, अगर आपके प्रॉफिट में गया तब तो अच्छी बात है, अगर लॉस होगा तो 1 रुपया भी नहीं बचेगा। इसीलिए बहुत से लोगों का कमेंट आता है तो हम सोचे कि इस पर वीडियो बना देते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको नहीं हमें हर किसी को इसी को फॉलो करना चाहिए। किसी को पावर नहीं मार्केट के, अगर गिर रहा है तो किसी को कह के नहीं गिरता है, मार्केट कभी भी गिर सकता है, अगर बढ़ता भी है तो वो कह कर नहीं बढ़ता है, कुछ चीज़ न्यूज़ पे डिपेंड होता है, कुछ चीज़ होता है अचानक से हो जाता है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए अगर मार्केट में बने रहना है तो, बाकी कैंडल वगैरह जो है सो तो है ही, लेकिन अगर मार्केट पे बने रहना है तो इस चीज़ को फॉलो हर किसी को करना चाहिए, एक चीज़ को बार बार करें, नहीं तो बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, जान जाइए। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आप लोगों को यही समझाना था, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।